देपालपुर तहसील के गौतमपुरा और बेटमा में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जहां गौतमपुरा में सुबह से कांग्रेसी और भाजपा में गहमा गहमी देखने को मिली। गौतमपुरा में कांग्रेस की नगर सरकार बनी तो वहीं बेटमा में बीजेपी नगर सरकार की सत्ता पर काबिज हुई। देखिए खास रिपोर्ट। देपालपुर की गौतमपुरा नगर परिषद में कांग्रेस की हर्षाली गगन बाहेती नगर परिषद अध्यक्ष पद पर चुनी गई, तो वहीं बेटमा नगर परिषद में बीजेपी के मनीषा शशि जायसवाल नगर अध्यक्ष चुनी गई। गौतमपुरा नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में गौतमपुरा नगर परिषद चुनाव को लेकर सुबह से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज रही, क्योंकि यहां बीते दिन गौतमपुरा नगर के वार्ड क्रमांक 8 के जीते हुए पार्षद पर बीते दो दिनों पूर्व पुलिस ने एक केस दर्ज भी किया था, जिसके चलते पुलिस कस्टडी में वार्ड क्रमांक 8 के नवनिर्वाचित पार्षद को लाया गया और अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में वोटिंग करवाई गई। पहले गौतम ऋषि की इस पावन नगरी के सभी मताधिकारियों को और नागरिकों को बहुत बहुत आभार। सभी वरिष्ठ जनों के नेतृत्व में, हमारे विधायक जी के नेतृत्व में आज हमें यह जीत हासिल हुई है। यह जीत हमारी नहीं है, पूरे नगर की है। आप लोगों ने जैसे भी नगर को स्वच्छ सुरक्षित जैसा नगर चाहा है वैसा करने की। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बनी हुई थी। पिछले दिनों पहली बार जो इनडायरेक्ट चुनाव हुए पार्षद के माध्यम से, 8 पार्षद कांग्रेस के जीते, 7 भाजपा के जीते, और आज जो चुनाव हुआ उसका परिणाम भी वही हुआ, 8 कांग्रेस के, 7 भाजपा के। एक वोट के साथ जो कुछ मुकदमा दर्ज हुआ था, न्यायपालिका पे भरोसा था, हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली, उन्होंने मतदान किया और परिणाम आपके सामने है। कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों विजय हुए हैं। बिल्कुल परिवर्तन तो आप देख ही रहे हैं। विगत दिनों नगर पालिका या महापौर के हम चुनाव देखें तो एक समय भाजपा की 16 महापौर परिषद थी, 5 कांग्रेस की है, 2 मामूली अंतर से हारे, और नगर निगम, नगर पंचायत और जनपद पंचायत में भी कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 2023 में कांग्रेस की सरकार निश्चित बनने जा रही है। नगर परिषद चुनाव की गहमा गहमी के बीच पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल एवं विधायक संजय शुक्ला और मोती सिंह पटेल भी पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। सत्य की विजय होती है, सत्य विजय हुआ है, और कहीं ना कहीं जब मेरे पिता यहाँ विधायक हुआ करते थे उस समय यहाँ बीजेपी की परिषद बनी थी, और अब जब मैं यहाँ विधायक हूँ तो परिषद बनी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ के पूर्व विधायक जी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर चीज़ की हर निम्न स्तर पर उतर कर जो यहाँ हरकतें करी है आम जनता के सामने है। ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से हो, नवरात्रि में माता जी की स्थापना करता हो, भोलेनाथ की सवारी में या खुद झांकी बनाता हो और पूरा योगदान देता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा प्रकरण रात को 1 बजे 376 का मुकदमा दर्ज होता है। हमें पूर्ण विश्वास था न्यायपालिका पर, हम न्यायपालिका से हमने गुहार लगाई, कल 5 बजे हमने पिटीशन लगाई, 7:30 बजे हमें डिसीजन दिया न्यायपालिका ने कि वोट का अधिकार हो, और निश्चित तौर पर क्योंकि जो सत्य होता है उसके साथ ईश्वर होता है, और जिस प्रकार से यहाँ जो हरकतें उन्होंने करी, मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने इस निम्न स्तर पर उतरना चाहिए था। मैं उसकी निंदा भी करता हूँ, और यहाँ की जनता जनार्दन जान चुकी है कि वो व्यक्ति किस स्वभाव का है, आते हुए समय में निश्चित तौर पर उनको भी सबक यहाँ जनता सिखाई। मैं गौतमपुरा में ही नहीं, हम हर जगह जीते हैं। भले ही हम रिजल्ट हमारे पास बेटमा में ना मिला हो, हथौद में ना मिला हो, प्रॉक्सी वोट के आधार पर वो जीते हैं। आज भी बेटमा में जो हुआ, हमारे पास बहुमत होने के बावजूद भी, और बीजेपी की एक महिला क्लियर बोल रही है कि मुझे बीजेपी में वोट नहीं देना है, उसके बाद भी उसका अवैध तरीके से उसका वोट डल जाता है, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक हत्या है। इससे कुछ हासिल नहीं होना, लेकिन आम जनता जो है वो समझ चुकी है कि 2023 में रिजल्ट क्या होना है। सभी साथ में है, और मैं जो श्रेय देना चाहता हूं, मेरी संपूर्ण टीम को देना चाहता हूं, कांग्रेस परिवार को देना चाहता हूं। जीत हुई है, 17 साल बाद यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, क्योंकि आज भी देखा होगा लगातार यहाँ पर गौतमपुरा के अंदर जो हमेशा बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र है, परंतु पहली बार यहाँ कांग्रेस के प्रचंड फैलाया है। उसके पहले आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो गुंडागर्दी कर रहे थे, हम पार्षदों को लेके आए थे, उसके बाद उन सुनवाई अटकी गई, प्रशासन खुद खड़ा हुआ था, मूर्धा सुबरा खड़ा हुआ था, प्रशासन एजेंसी SP पूरा कोई बोलने को तैयार नहीं था। बेटमा में भी ऐसा हुआ, बेटमा के अंदर भारतीय जनता के पार्षद बोल रहे हैं कि हम वोट डालेंगे,
परंतु उनको वोट डालने दिया गया और कांग्रेस के जो उनके लोग थे उन्होंने वोट डाला, मतलब आतंक मचा रखा और आतंक का ये अंत हुआ है। गौतमपुर चालू हुआ है, अब इंदौर शहर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर आतंक खत्म हुआ और 2023 के अंदर आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व सरकार बनेगी और ये भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। यदि ये जनता की जीत हुई है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और इंदौर नहीं पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अनेक जगह पार्षद सरपंच पंच प्रतिनिधि और जिला प्रतिनिधि जीते और कई जगह महापौर भी बने हमारे, क्योंकि अब ये चालू हो गया है। सेमीफाइनल में हम अधिकांश जगह जीते हैं और फाइनल के अंदर हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व सरकार बनेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो देपालपुर तहसील के गौतमपुरा और बेटमा में नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए, जहां गौतमपुरा में सुबह से ही कांग्रेसी और भाजपा में गहमा गहमी देखने को मिली। गौतमपुरा में कांग्रेस की नगर सरकार बनी तो वहीं बेटमा में बीजेपी नगर सरकार की सत्ता पर काबिज हुई। उधर गौतमपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता में संघर्ष हुआ, जहां दोनों पक्ष के 7 से अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें से 4 को इंदौर रेफर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।